हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि रेखा बहुत अच्छे से कपकेक्स बताओ, तो कपकेक कैसे बनेंगे, और क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो हम न्यू ईयर क्रिसमस इसमें हम कपकेक बना सकते हैं और घर से सेल भी कर सकते हैं, तो कैसे बनेंगे वो बता रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें कपकेक बनाने के लिए लगेंगे, देखें, 1 कप मैदा, 1/2 कप ब्राउन शुगर, जो कैस्टर शुगर आती है वो आप चाहें इसे पाउडर भी कर सकते हैं, 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून सोडा, खाने का सोडा, सौंठ, दालचीनी, लौंग और जायफल का पाउडर 1 टीस्पून लिया है छोटा छोटा करके। ये तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं, 1 टेबलस्पून आलमंड, 1 टेबलस्पून वॉलनट, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, और कुछ हमारे पास ड्राई बेरीज हैं, जिसमें कि स्ट्रॉबेरी भी हैं, ब्लैकबेरी हैं, ब्लूबेरी हैं, है ना, ये सारी हमने ड्राई बेरीज ली हैं, जो कि इनको हम थोड़ा छोटा और चॉप कर लेंगे। सभी चीज़ों को ड्राई मैदे में मिला के हम फिर इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, 60 ml मिल्क, 40 ml ऑयल, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून विनेगर। ड्राई स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस चॉप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ड्राई स्ट्रॉबेरी है, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, इतना बड़ा मुंह में आएगा। इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है, बाकी बेरीज तो चॉप्ड हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं, जैसे मैदा, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून कोको पाउडर, सॉल्ट, सॉल्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ज़रूर डालें, और कुछ ड्राई मसाले, है ना, जिसमें कि है सौंठ और सिनेमन पाउडर, नटमेग पाउडर एंड लौंग पाउडर, इसमें इनको हम लेके अच्छे से छान लेंगे। इसमें मैं शुगर भी ऐड कर दूंगी, और इसके बाद इसमें हम सभी ड्राई फ्रूट जो हैं, टूटी फ्रूटी, वॉलनट, आलमंड, बेरीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में। जब हम वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं तो ये ध्यान रखें कि विनेगर और मिल्क को एक साथ मिला लें और वो इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें डालेंगे हम हनी, वन टीस्पून हनी है, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब होता है 40 ml ऑयल। इन सब को एक साथ लेंगे और मिक्स कर देंगे। थोड़ा इसका जो बैटर है वो लिक्विड नहीं होता, गाढ़ा होता है, थिक, जैसा कि केक का होता है वैसा नहीं होता। इसको मिक्स करके हम हीटर से अच्छी तरह से चला देंगे, थोड़ा बैटर गाढ़ा ही रहे, केक की तरह लिक्विड ना हो, तो अच्छा है
जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बेरीज हैं, वो नीचे बैठेंगी नहीं। अगर काफ़ी पतला रहेगा तो बेरीज नीचे बैठ जाएंगी। ये रेडी हो गए हैं और फिर इसमें मैं, मेरे पास ये कपकेक के मोल्ड्स हैं सिलिकॉन के, उसमें मैं इनको पोर कर रही हूँ। हाफ भरना है क्योंकि ये राइस होंगे, उससे फुल बन जाएंगे, इसलिए हम इसको हाफ ही भरेंगे। हमारे पास एक ओवन है और उसमें मैं ये रखूंगी। ऑन करूंगी, पहले मैं बॉटम ग्रिल चालू करूंगी, टेम्परेचर 180 डिग्री, और इसको मैं 10 मिनट दूंगी। 10 मिनट में ये राइज हो जाएंगे जितने राइज होने हैं, और उसके बाद 10 मिनट और दूंगी। 15 टू 20 मिनट इसका टाइम होता है जो कपकेक्स बनते हैं। किसी ओवन में ये 15 मिनट में बनाते हैं, किसी में 20 मिनट। हम देखते हैं हमारे में कितने में होते हैं। हमने कपकेक्स को बॉटम ग्रिल चलाकर 10 मिनट रखा और फिर ऊपर और नीचे की बोथ ग्रिल चला के 10 मिनट्स रखा। देखें ये रेडी है। इस तरह से बहुत अच्छे से ये बेक हो गए। इनका तरीका ये है बेक होने का, समझ में आना कि ये ऊपर से एकदम हार्ड है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहे कि चिपक जाएंगे, ड्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्रॉपरली बेक हुए हैं ये कपकेक्स, बहुत प्रॉपरली बेक हुए हैं ये। और अगर ये अच्छे से बेक हुए हैं तो इसमें चिपकेंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से और एकदम सॉफ्ट बने हैं ये कपकेक्स। ये कपकेक्स बन गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। देखें एकदम प्रॉपरली बेक हुए हैं। इजीली हम इसको इसमें से निकाल सकते हैं। इसके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बेरीज हैं, वो नीचे नहीं बैठी हैं, सबसे अच्छी बात ये, बहुत प्रॉपरली बेक हुए हैं। बहुत इजी है, आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि कैसे बने।